जैन दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, इतिहास को हमने जो भी पढ़ा है वो वीडियोस आपकी एंड में स्क्रीन पर आ जाएंगे और उन्हें डाउनलोड कर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम जिन चैप्टर्स की बात करेंगे वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा और मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी आपको अलग सुनाई दे रही होगी। इस वीडियो में बोल कुछ रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने पूरा वीडियो डाउनलोड ये किया, ठीक है, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा अलग वॉइस से भी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो इतिहास को समझेंगे हम, इतिहास को हमने जो बांटा है यहाँ पर तीन रूपों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल लगभग 20,000 वर्ष, सॉरी ये यहाँ 20,000 नहीं, हम जो मूल रूप से जो इतिहास पढ़ते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो होता है आद इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक काल एक जरूरी टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, यहाँ से बैकग्राउंड आपको मिल जाता है और कुछ प्रश्न आपको बार बार यहाँ से मिलेंगे। प्रागैतिहासिक काल को तीन वर्गों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है सामने। ठीक है, जो पुरापाषाण काल है उसका समय है 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व का। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया था, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे आप नोट करते जाइएगा। आपको बहुत ही सिंपल भाषा में चीजों को बताया गया है जिससे आपकी समझ में आ सके। आदित्यास को धातु काल, हड़प्पा और वैदिक काल में बांटा गया है और इतिहास को कब से बांटा गया है, 6वीं सदी BC से। ठीक है, थोड़ा सा अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि इनको प्रागैतिहासिक काल, आद इतिहास और इतिहास क्यों कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि आपको लिखित साक्ष्य लिपि का ज्ञान नहीं होता है, उसे बांट दिया गया है प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था, इस वजह से इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। आद इतिहास काल में क्या है कि धातु काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल तो है, यानी कि लिपि का ज्ञान तो हो गया था लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई थी। आप कहेंगे कि वैदिक सभ्यता तो पढ़ ली गई है, लेकिन वैदिक जो काल है उसका कालखंड 1500 से 600 तक है, तो उस समय तक लिपि यानी कि जो ज्ञान ट्रांसफर होता था वो लिखकर नहीं होता था, वो किसके द्वारा होता, श्रुतियों द्वारा, यानी कि गुरु क्या करता था, शिष्य को अपना ज्ञान समर्पित करता था बोलने से ही, और बाद में शिष्य ही दूसरों तक उसे पहुंचाता था। तो इस वजह से ऐतिहासिक काल जिसे बोला जाता है, यानी जिसकी लिपि का भी ज्ञान हो और वो लिपि पढ़ ली गई हो, वो है आपकी 6वीं सदी से, यानी कि बुद्ध काल से लगभग। ठीक है, और 300 BC के आसपास अशोक का काल रहेगा जिसमें जेम्स प्रिंसेप ने उनके जो शिलालेख हैं उनको पढ़ लिया था। तो इस प्रकार से है इतिहास को बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताने के लिए ये भी चीजें बता दी हैं, जो पुरापाषाण काल है वो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व तक का है, मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक का है और नवपाषाण काल 1,000 के बाद का है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मानव के इतिहास के बारे में यदि देखें, मानव के इतिहास के बारे में देखेंगे तो मानव का जो जन्म हुआ वो आप सभी को पता है कहाँ से हुआ, अफ्रीकी महाद्वीप के द्वारा, वहीं से सबसे पहले मानव का जन्म हुआ और वहीं से चारों तरफ मानव चलने लग गया और धीरे धीरे भारत की तरफ
कहीं ना कहीं आया होगा, उसने संस्कृतियां डेवलप करी होंगी अपनी अपनी। ठीक है, तो पुरापाषाण का काल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वही चीजें थोड़ी सी शॉर्ट में मैं कहता जाऊंगा, क्योंकि पूरा वीडियो था, काफी अच्छा बना था, उस समय रिदम अच्छा था और मैं इस वीडियो को जाने नहीं देना चाहता था, इस वजह से दोबारा से भी नहीं बना सकता था, क्योंकि तो कुछ चीजें फिर छूट जाएंगी। तो हम पढ़ लेते हैं पुरापाषाण काल को। ठीक है, पुरापाषाण काल को फिर से तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ये देखिए, मध्य पुरापाषाण काल, इसे प्रथम रचनात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं, प्रथम रचनात्मक विकास मध्य पाषाण का पुरापाषाण काल में हुआ था, और आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है मध्य पाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल दोनों में से। ठीक है, ये दोनों अलग ही हैं, ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत है। उच्च पुरापाषाण काल, प्रथम रचनात्मक तार्किक बौद्धिक विकास हुआ था यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे हर काल के विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी कि किसी भी इतिहास को हम देखेंगे किस रूप में, इतिहास को देखेंगे हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक रूपों में। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में पहला आपको चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, जो कि सोनघाटी, सोनघाटी कहाँ पर थी, ये थी आपकी पंजाब प्रांत, जो कि आज का पंजाब और पाकिस्तान का जो पंजाब है दोनों मिला के था। सोहन नदी थी यहाँ पर, सिंध की सहायक नदी, वहीं के आसपास चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का जन्म हुआ था। चापर क्या होता है? चापर देखिए एक हथियार होता है पत्थर का, जो कि देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाया जा रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो कि आगे से क्या होता है, एकदम पतला होता है जिससे चीजों को छीला जा सके पकड़ के हाथ से, और जो पकड़ने का स्थान होता है वो मोटा होता है। ठीक है, वहां से पकड़ के एक साइड से ही ये पैना होता है और पतला होता है। चापिंग क्या होता है? चापिंग चापिंग क्या होता है? दोनों तरफ से पतला होता है और नुकीला होता है दोनों तरफ से। चापिंग को बीच में से पकड़ा जाता है, बीच में से पकड़ के चाहे इधर से शिकार कर दिया जाए, उधर से शिकार कर दिया जाए, जैसा कि आज की फिल्मों में बहुत सारे ऐसे स्टंट देखे होंगे जो मारने का होता है बर्छा टाइप का, इस टाइप का वो पत्थर का होता था छोटा, जिससे शिकार आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो आपका पैबुल। पैबुल क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए, पैबुल एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, लेकिन ये पत्थर होता कैसा है? सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी के पास ही संस्कृति का विकास हुआ था, तो वहां पर नदी के कारण पत्थर घिस घिस के कैसे हो जाते हैं, एकदम चमकदार और गोल, तो बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था, जिन्हें पैबुल बोल दिया जाता था, जिससे किसी भी शिकार को, जैसे बड़ा शिकार है तो उसको ऊपर से दाबकर मार दिया जाता था, यानी रक्षात्मक रूप में भी काम करता था पैबुल। इसी वजह से इस संस्कृति को चापर चापिंग पैबुल नाम दिया गया है, और इसे सोहन संस्कृति भी बोल दिया जाता है। यही इसमें बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। इसका काल जो है वो 20,12,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है, पूरा निम्न पुरापाषाण काल से उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका वो मैं हेंडेक्स संस्कृति के बारे में बताऊंगा आपको। हेंडेक्स संस्कृति जो कि मद्रास में है, ये तो हो गया सोन घाटी जो मैं आपको बता रहा हूं, हेंडेक्स संस्कृति आपकी मद्रास में है। ठीक है, इसमें क्या था? कुल्हाड़ी, क्लीवर जिसे बेदनी बोला जाता है, खुरचनी, स्केयर पर, इस प्रकार के हथियारों का यूज किया जाता था।
तो ये इसके बारे में आपको दो ही चीजें ये याद रखनी है, निम्न पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है। ये बदमदुरै नाम याद रखना है आपको, ये हेंडेक संस्कृति का स्थान है, बदमदुरै काफी इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि तो स्थान भी थोड़ा सा आएगा, यदि एक एक स्थान कम से कम याद रहे आपको तो आपको बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो दो संस्कृतियां आपने पढ़ ली हैं। एक आपका अत्रिपक्कम, अत्रिपक्कम ये भी स्थान है, कहाँ पर है ये, मद्रास में ही है, यहाँ से भी हंडेक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अब आपको करना क्या है कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत, जो निम्न पाषाण काल के अंदर दो संस्कृतियां मैंने आपको बताई हैं, चापर चापिंग और हेंडेक्स, इनके बारे में क्या कीजिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक तीन शब्द लिखिए, इन चार शब्द सॉरी चार जो हेडिंग बनाइए। जैसे मान लीजिए आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वहां के लोग कैसे थे निम्न पुरापाषाण काल में, केवल अभी आगमन ही हुआ था तो उन्हें केवल अपने खाना बदोश के रूप में रहते थे, कोई संगठन नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था, ये आपका आर्थिक स्थिति के अंदर आ जाएगा। धार्मिक प्रवृत्ति बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई थी, ये धार्मिक स्थिति के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समाधान वगैरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, चारों में डिवाइडेशन कर दोगे और निम्न पुरापाषाण काल की छोटा सा लिख दोगे जो कि आपके मेंस में काम आएगा, है ना। यही मैं बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, इनको आप लिख दीजिएगा। और मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा आपसे मध्य पुरापाषाण काल की बात करूंगा, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल, इसको क्या कहा गया है, प्रथम रचनात्मक विकास, यानी कि मानव के अंदर रचनात्मकता धीरे धीरे घर कर रही थी। क्यों घर कर रही थी, क्योंकि गुफाओं की नक्काशी होने लग गई थी, यानी कि गुफाओं को थोड़ा सा ऐसा सुंदर बनाने लग गए थे, रहने लायक, जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगे। नक्काशी, नक्काशी के लिए ये लोग प्रयोग क्या करते थे, नक्काशी के लिए तक्षणी नामक एक औजार था, तक्षणी, जो बहुत पतला होता था, दोनों तरफ से पतला होता था, इससे नक्काशी का काम करते थे गुफा के अंदर, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, मध्य पुरापाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जेस्पर का यूज होने लग गया था, जेस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों का यूज होने लग गया था क्वार्टजाइट के स्थान पर। क्वार्टजाइट किसमें होता था, निम्न पुरापाषाण काल में, ठीक है, नक्काशी होने लग गई। अब इधर क्या है, दो स्थान भी देख लीजिए, एक नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, नेवासा, और दूसरा अरावली पहाड़ियां जो कि राजस्थान में है। इन स्थानों से मध्य पुरापाषाण काल की जानकारी मिलती है। यहां से यहाँ के जो औजार थे वो थोड़े से छोटे होने लग गए निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा, क्योंकि मानव का विकास धीरे धीरे, मानसिक विकास भी होने लग गया, पहले बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे औजार, अब थोड़े से कम हो गए, तो तेज धार आने लग गई, जिसमें खुरचनी, बेदनी और तक्षणी भी शामिल थे, ठीक है। तो इन दोनों का हम कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा सा, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमें एक 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 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये राजस्थान का क्षेत्र है, अरावली पहाड़ियां जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका उच्च पुरापाषाण काल की,
ये मैं कंपेयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा वहां पर धीरे चल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ मैं, तो सेम वही चीज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उच्च पुरापाषाण काल के बारे में। इसको आप क्या विशेषता थी इसकी, प्रथम रचनात्मक तार्किक बौद्धिक विकास इसमें हो चुका था। ठीक है, क्यों हो चुका था, आधुनिक होमो सेपियंस का उद्भव इसमें हुआ था। आधुनिक होमो सेपियंस यानी कि हम लोग, हालांकि ये जो निम्न पाषाण काल के लोग थे वो भी हमारे में से थे, लेकिन जो आधुनिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है होमो सेपियंस को, जो कि हमारे पूर्वज माने जाते हैं, वो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही डेवलप हुआ। हड्डियों के उपकरण जैसे हार्मोन, भाला बोल दिया जाता है, सुई बोल दिया जाता है, वो ब्लेड ब्लेड होते थे पत्थरों के, और इनके जो औजार हो गए वो और थोड़े से छोटे हो गए निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल की अपेक्षा। शिकार के लिए भोजन सामग्री चबूतरों पर इकट्ठी करने लग गए थे। इलाहाबाद की एक बेलन घाटी है, ठीक है, इलाहाबाद देखिएगा अभी बताऊंगा मैं, बेलन घाटी है, वहां से चबूतरे प्राप्त हुए हैं। इससे पता पड़ता है कि कुछ संगठनात्मक कुछ चीजें होने लग गई थी, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन संगठन संगठित रूप से कहीं ना कहीं शिकार होने लग गए, भोजन को लाने लग गया, और एक साथ शायद खाने की प्रथा इसमें बन गई होगी, क्योंकि अभी तक तो पूरा पुरापाषाण काल में यही चलेगा खाने का ही, पहले पेट तो भरे तभी तो दिमाग काम करेगा। मध्य पाषाण काल में क्या होगा कि दिमाग काम करने लग जाएगा लोगों का, यानी हम लोगों का, 12,000 से 10,000 के बीच में जो लिखा है वो। ठीक है, तो ये हो गया निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में मैं एक चीज और बता दूं आपको कि बोला जाता है ना आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, आग की खोज जो कहते हैं ना, आग की खोज, तो आग की खोज उच्च पुरापाषाण काल में मानी जाती है। हालांकि आग जो थी वो निम्न पुरापाषाण काल में भी थी, मध्य पुरापाषाण काल में भी थी, और उच्च पुरापाषाण काल में आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिचित हो चुके थे आदि मानव, और मध्य पाषाण काल में भी राख के ढेर मिले हैं, तो मध्य पाषाण काल में भी थी। यानी कि इस प्रकार का यदि कोई प्रश्न आ जाए, वैसे प्रश्न बनता है आपको, आग का प्रयोग कब सीखा मानव ने, तो उसका अर्थ होगा, उसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना सीखे। आग तो पहले से ही मौजूद थी, पहले भी लगती थी, जंगलों में लग जाती थी अपने आप। आग जलाना कब सीखे, उच्च पुरापाषाण काल में अपने से, तो यही मैं यहां पर बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं। मैंने काफी सारी कुछ बातें इसमें बताई थी, वो एक्चुअल में वीडियो नहीं हो पाया इस वजह से, लेकिन आप सुनते रहिए, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में समझाता रहूंगा जो जो मूल है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी इसमें चली गई थी बार बार करने पर मेरी, क्योंकि सारी चीजें मिटा भी दी गई, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इसी पर, बनाए थे मैंने जो नोट्स थे, इस वजह से यहीं पर ये सारी चीजें बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप क्या कीजिए, पुरापाषाण काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, धार्मिक, ये तीनों स्थितियों को लिखिए, है ना। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा थोड़ी देर में पॉज करूंगा और उसके बाद मध्य पाषाण काल की स्थितियों को बताऊंगा। तो देखिए ये कर दिया पॉज, लेकिन फिर से आ गया मैं, मध्य पाषाण काल मैंने लिख दिया था उस समय। मध्य पाषाण काल, ये इसका जो हेडिंग है वो क्या दी है, आर्थिक सामाजिक धार्मिक मूल्यों का विकास हो गया था इसमें। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है बस लिखते समय, सामाजिक आर्थिक धार्मिक मूल्यों का विकास हो गया था। कैसे, शिकार के साथ साथ पशुपालन भी होने लग गया था इसमें। शिकार के साथ साथ क्यों, क्योंकि शिकार जो पहले होता आ रहा था, शिकार शिकार वो अब भी हो रहा है, लेकिन पशुपालन करना सीख लिया था। क्यों सीख लिया था वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि आप सभी को पता है सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया था इतिहास के अंदर,
कुत्ते को पालतू बनाया गया था इंसान के द्वारा। उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया, क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में उपकरण है वो काफी तीक्ष्ण होते गए, छोटे होते गए बिल्कुल, और तेज होते गए। यानी कि इंसान की बुद्धि शार्प हुई थी, उसी प्रकार से उसके औजार भी शार्प होते गए। आज जिस प्रकार से एक गोली काम करती है, इसी प्रकार से ये औजार काम करने लग गए थे। लेकिन थे ये किसके? अभी पाषाण के ही, पाषाण यानी पत्थर के ही। मानव के अस्थि पंजर के रूप में सबसे पहला मिला था यहाँ पर, अस्थि पंजर पहले ही मिल गया था। यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति का भी विकास हो गया था मध्य पाषाण काल में, धार्मिक प्रवृत्ति का, क्योंकि अस्थि पंजर को दफनाने के साथ संस्कारित तरीके से दफनाया गया था। और संस्कारित तरीके से दफनाने के साथ साथ क्या हुआ, कुत्ते को भी समाधि में दफनाया गया था। और जो व्यक्ति मरता था उसके साथ उसके औजार वगैरह, हथियार वगैरह, जो भी खाने का सामान बचता था उसका, वो भी उसके साथ दफना दिया जाता था। तो इससे पता पड़ता है कि लोकोत्तर जो विकास हो चुका था धर्म धार्मिक, ठीक है, लोगों का विश्वास होने लग गया था कि मरने के बाद भी कुछ होता है। ठीक है, अब मैं यहां पर बताऊंगा पशुपालन। पशुपालन आदमगढ़ और बागौर से किया जाता था। उन्हीं चीजों को मैं यहां पर बता रहा हूं। चित्रकारी का भी विकास हो गया था, ठीक है, सामाजिक डेवलपमेंट हुआ तो चित्रकारी का भी विकास हो गया। चित्र बनने लग गए गुफाओं में, कहां, कब से बनने लग गए भाई जान, प्रश्न आ जाए तो मध्य पाषाण काल से ही, मध्य पाषाण काल से ही बनने लग गए। पशुपालन आदमगढ़ और बागौर से जानकारी मिलती है। आदमगढ़ आपका कहाँ पर है? एमपी के अंदर, वहां पर देखिए मैप में, और बागौर है आपका राजस्थान के अंदर। तो ये थोड़ा सा आप एक बना लीजिएगा मैप और उस पर ये लिख दीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, छोटे छोटे से नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब मैं आपको क्या करता हूं, मैप के जरिए जो स्थान है उनको बता देता हूं, मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थान हेडिंग डाल दीजिएगा और थोड़ा सा उन्हें लिख लीजिएगा। पहला लिख लीजिए सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कहाँ पर है? प्रतापगढ़ इलाहाबाद में, सराय नाहर राय। ये जी आर शर्मा थे इतिहासविद, उन्होंने इसकी खोज करी थी स्थान की। ढेर सारे कंकाल और समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। समाधि कैसे प्राप्त हुई है वो मैं यहाँ पर देखिए अभी दिखाऊंगा आपको। पश्चिम की तरफ सिर रखा गया है और पूर्व की तरफ पैर रखे गए हैं समाधि के अंदर। इस प्रकार से यहाँ की समाधि है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो गई, आने वाले समय में बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। बड़ा वीडियो था, इसको बार बार रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो मैंने सोचा एक एनर्जी थी जो वो चली गई थी ऐसा लग रहा था, और सारी चीज़ें जो मिटा दी गई थी, इस वजह से मैं इसकी वॉइस जो है इसे देख कर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत, हालांकि आपको मूल मूल चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो भी मूल चीज़ें हैं, ठीक है। सामुदायिक भट्टियों का भी यहाँ से विकास हुआ था, कहाँ से? सराय नहार राय से। सामुदायिक भट्टियाँ, ऐसा लगता था कि सामुदायिक भट्टियों में आग जलाकर कुछ मांस वगैरह भूंजने का कार्य जो है स्टार्ट कर दिया था क्या, ऐसा महसूस होता है सराय नहार से। नेक्स्ट है आपका मेहदा। मेहदा से क्या है? समाधान के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के आभूषण मिले हैं और पालतू पशुओं के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, मेहदहा से। इतना है आदमगढ़।
आदमगढ़ एमपी के होशंगाबाद में है, ठीक है, एमपी के होशंगाबाद। यहाँ से पशुपालन की जानकारी मिलती है। पशुपालन में क्या क्या पशुपालन किया जाता था? कुत्ते, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण आदि का, खरगोश, इन सब का किया जाता था। बागौर राजस्थान में है। पशुपालन की जानकारी मिली है। यहाँ से पत्थर के कलम बनाने का उद्योग की जानकारी मिली है। आर्थिक स्थिति में आप लिख दीजिएगा कि पत्थर के कलम, जो पेंटिंग वगैरह होती थी तो पत्थर की जो कलम बनाई जाती थी उनका उद्योग ही था बागौर में, जिनसे पेंटिंग बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल से संबंधित जो भी स्थान है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली, है ना। जानकारी प्राप्त करने के बाद आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन सब में बांट करके छोटा सा एक नोट बना सकते हो 50-60 शब्दों का। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल के बारे में। अभी पॉज करके मैं बताऊंगा आपको। देखिए, नवपाषाण काल के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिख दी हैं कि नवपाषाण की विशेषता क्या थी। नवपाषाण के अंतर्गत मानव और ज्यादा तेज हो गया 10,000 BC पहले, 10,000 साल पहले की बात है। नवपाषाण काल स्टार्ट हुआ था। इसमें कृषि के साक्ष्य सबसे पहले नवपाषाण काल में मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। कहाँ से मिलते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। मृदभांड मिलते हैं, मृदभांड यानी बर्तन, चाक, चाक यानी पहिया, पहिया चाक से क्या होता था, बर्तन बनाए जाते थे, मृदभांड बनाए जाते थे, और पहिए की गाड़ी भी इसी काल में संभवतः बनी है, नवपाषाण काल में ही। मिट्टी और सरकंडे के घर भी बनने लग गए थे यहाँ पर। अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर मिट्टी और सरकंडे के घर बने थे, मेंशन कर दूंगा। एक मैप बना लीजिए छोटा सा, वहां पर मैं आपको बताता जाऊंगा। मिट्टी और सरकंडे के घर बनने लग गए। वस्त्रों के निर्माण भी ऐसा लगता है कि होने लग गए थे, क्योंकि रुई के साक्ष्य भी मिले हैं नवपाषाण काल में ही। कहाँ से मिले हैं वो भी मैं स्थान बताऊंगा आपको अभी, है ना। शरीर ढकने के लिए लोग चमड़े का, वस्त्र का, पत्तों का उपयोग करते थे। आपने एक मूवी देखी होगी 10,000 BC करके, हॉलीवुड मूवी है। उसमें किस प्रकार से लोग रहते हैं, पत्तों का यूज करते हैं रहने के लिए, चमड़े का यूज करते हैं। तो ये है नवपाषाण काल की कुछ। अब थोड़ा सा मैं जो बताऊं वो लिख लीजिए। अग्नि का प्रयोग जो था वो होने लग गया था नवपाषाण काल में। प्रयोग, प्रयोग की बात आती है, यानी कि मांस भूनने में और सर्दी से बचने में। तो ये जो जानकारी थी वो कब हुई, नवपाषाण काल में। हालांकि अग्नि का जो प्रयोग था वो पहले ही हो चुका था। किसी भी बुक में कुछ दिया होगा, किसी में कुछ दिया होगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहता है, रहना है यूपीएससी में। बस एक डेवलप, समझ डेवलप करनी है, ठीक है। बाकी तो आप लूसेंट वगैरह ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब कुछ प्रमुख उपलब्धि क्या थी नवपाषाण काल की, वो कुछ पॉइंट लिख लीजिए। खाद्य व कृषि आरंभ हो चुका था। दूसरा क्या है, संगठित पारिवारिक जीवन आरंभ हो गया था, यानी कि परिवार को रखना स्टार्ट कर दिया था। पिता, माता, उसके साथ पुत्र, पुत्रियां, बाबा, दादी, चाचा सब एक साथ रहते थे, ठीक है। संगठित जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था। पुनर्जन्म, तीसरा नंबर, पुनर्जन्म, आत्मवाद पर विश्वास हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि अंत्येष्टि संस्कार का इसमें प्रारंभ हो चुका था, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, जिससे धार्मिक जीवन की भी जानकारी मिलती है, धार्मिक डेवलपमेंट हो चुका था, है ना। अब क्या है स्थान, आपने पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल अब आप पढ़ रहे हैं। नवपाषाण काल आप पढ़ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके स्थलों को देखेंगे। बाकी सब बातें वही हो रही हैं, जो मेन मूल चीज है वो मैं आपको बताता ही जा रहा हूं। तो अब लिख लीजिए मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है, आधुनिक जो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का, वहां पर है मेहरगढ़। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, गेहूं, जौ, रुई की जानकारी मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला बोया जाने वाला पौधा क्या था, गेहूं ही था।
इसकी जानकारी मेहरगढ़ से मिलती है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि वस्त्रों का निर्माण होने लग गया था, क्योंकि रुई की जानकारी यहीं से मिलती है। और यहाँ के लोग किस में रहते थे? सरकंडों के घरों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे, जो कि घर कैसे होते थे? वृत्ताकार गोल घर होते थे। आजकल की आपने देखी होंगी, आधुनिक युग में भी जो चीजें प्रपाषाण काल में होती रही हैं, मध्य पाषाण काल में होती रही हैं, नवपाषाण काल में होती रही हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती जुलती चीजें हैं। आपने देखे होंगे छप्पर यूपी के अंदर सरकंडों से बने होते हैं, कुछ कुटिया जिन्हें बोलते हैं, कुटिया भी होती हैं। तो ये सारी चीजें पहले भी थी और आज भी हैं। है ना, वही बताने का मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट लिख लीजिए पिपली हल, कर्नाटक। कर्नाटक में लिख लीजिएगा पिपली हल। यहां से कच्ची मिट्टी व पत्थर के घर मिले हैं, कच्ची मिट्टी और पत्थर के घर। प्लेट्यू है, पठार है यहाँ पर कर्नाटक के पास, तो पत्थरों के घर होना डेफिनेटली पॉसिबल है। आधुनिक उस भी में यहाँ पर सरकंडे वगैरह के घर मेहरगढ़ में। नेक्स्ट लिख लीजिए चिरांद, बिहार में। चिरांद बिहार, हड्डी के उपकरण मिले हैं यहाँ से, ये आपके काम आएंगे, हड्डी के उपकरण। नेक्स्ट लिख लीजिए बुर्जा होम। बुर्जा होम का अर्थ होता है जन्म स्थान, जन्म स्थान होता है बुर्जा होम का अर्थ। ठीक है, बुर्जा होम कहाँ है? कश्मीर में। गर्तावास निवास मिले हैं यहां से, गर्तावास निवास, क्योंकि सर्दियां पड़ती थी, लोग क्या करते थे? नीचे रहते थे गर्त में बना करके। और यहाँ पर कब्रें मिली हैं, कब्र में क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट? कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, बुर्जा होम से ही मिले हैं कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य, नवपाषाण काल के समय में। और कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य केवल यहीं से प्राप्त हुआ है बस, बाकी जगह पर कुत्ते नहीं दफनाए गए हैं। ठीक है, एक जगह और है वो ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए गुफ कराल, गुफ कराल अभी लिखूंगा मैं, कश्मीर में ही है वो। यहां से हड्डियों के औजार वो मृदभांड प्राप्त हुए हैं गुफ कराल से। देखिए अभी लिखता हूं मैं, वहां पर हम बीच में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीजें बता देता हूं मैं एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन बातें जो मैं बता रहा हूँ वही मूल हैं, उनको लिखते जाइएगा, काम आएंगे आपके। यहीं कश्मीर में क्या है? गुफ कराल, देख लिखा गुफ कराल। यहां से हड्डियों के औजार मिले हैं और बर्तन प्राप्त हुए हैं, मृदभांड। ठीक है, मृदभांड यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए इंपोर्टेंट है कोल्डी हवा, इलाहाबाद में। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, 600 बीसी के आसपास, सॉरी 6000 बीसी के आसपास। ठीक है, 6000 बीसी चावल के साथ कोल्डी हवा इलाहाबाद के अंदर है। कोल्डी हवा स्थान जो लोग होंगे इलाहाबाद के जानते होंगे। विश्व का सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य। एक और लिख लीजिए चौपानी मांडो, ये भी इलाहाबाद में है। चौपानी मांडो, लिख लीजिए चौपानी मांडो। यहां से क्या मिला है? हाथ से निर्मित व चाक से निर्मित मृदभांड, यानी बर्तन, हाथ से बनाए हुए बर्तन, और जो चक्र था पहिया था उससे बनाए हुए, जो कुम्हार बनाते हैं ना जिस पहिए पर बर्तन, वो वाले बर्तन प्राप्त हुए हैं यहाँ से, हाथ से बने हुए और चाक से बने हुए।
और सबसे प्राचीनतम जो मृदभांड है यहीं से मिले हैं, चौपानी मांडो से। पहले मैं बता रहा था ना, वो थोड़ा सही नहीं था, चौपानी मांडो से मिले हैं। बाई चांस प्रश्न आ जाए, सबसे प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिले हैं? चौपानी मांडो से। एक जगह और है वो लिख लीजिए, लास्ट है आपका, गणेश्वर नाम है उसका, गणेश्वर अभी लिखूंगा मैं, राजस्थान में। तांबे के औजार सबसे पहले यहीं से मिले हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आने वाले समय में हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में, जो कि आदि इतिहास में है। आदि इतिहास यानी कि आधा इतिहास मान के चलिए, जहां पर धातु काल पढ़ेंगे। धातु काल में ही क्या होंगी ये संस्कृतियां आ जाएंगी, हड़प्पा वैदिक, क्योंकि इन्हें कांस्य सभ्यता, ताम्र ताम्र संस्कृति ये सब भी बोला जाता है, लोह संस्कृति बोल दिया जाता है वैदिक सभ्यता को, ठीक है। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो गणेश्वर पहला स्थान है जहां से ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिली हैं। आप सभी को पता है सबसे पहला मनुष्य के द्वारा जो यूज किया गया जिस धातु का, वो था तांबा। धातुएं तो पहले से ही मौजूद थी, सोना चांदी जो कुछ है, लोहा तांबा सब कुछ मौजूद था, लेकिन जो यूज करना सीखा सबसे पहले तांबे का किया। आप सभी को पता है आज भी तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है हमारे राज्यों में? वो राजस्थान ही है। राजस्थान में था इस वजह से उन्होंने यूज कर लिया। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और आगे इससे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। और आप क्या करिए कि एक पूरा का पूरा बताइए बनाइए प्रागैतिहासिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक धार्मिक स्थितियों पर चर्चा कीजिए, और इनके महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करके उनके बारे में एक एक लाइन लिखिए। इस पर आप मेंस के मेंस पर प्रश्न जो है लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।